होसानगर स्थित शहरी गोठान में फाइटोराइट पद्धति के उपयोग से महिलाओं द्वारा मछली पालन किया जा रहा है। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे महिलाओं को आजीविका मूलक कार्यों से जोड़ने विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने शहरी गोठान में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। फाइटोराइट पद्धति के उपयोग से गोठान में अब महिलाओं द्वारा मछली पालन शुरू किया गया है, जिसके लिए डबरी का विस्तार करते हुए उसे तालाब बना दिया गया है। तालाब में तलबिया मछली का बीज डाला गया है। निगम आयुक्त द्वारा समय समय पर गोठान में चल रही गतिविधियों का निरीक्षण कर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया जा रहा है। मछलियों की 3 महीनों में ग्रोथ होने पर इसका विक्रय किया जाएगा। इस प्रक्रिया की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। फाइटोराइट सिस्टम जो है वो हमारे बिल्कुल भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के समीप में लगा हुआ है और जो कि गौठान से नज़दीक है। चूँकि गर्मी का दिन है और पानी की समस्याएं होती हैं, ग्राउंड लेवल का जो पानी जो है वो भूमिगत से नीचे चले जाता है और उसके कारण पानी की समस्याएं कुछ होती हैं। इसको देखते हुए फाइटोराइट सिस्टम का उपयोग हम गौठान में कर रहे हैं और फाइटोराइट जो पद्धति है VSP के गंदे पानी को जो आता है उसको शुद्ध करने का काम करती है, प्राकृतिक पद्धति है। इसका उपयोग हम मछली पालन के लिए कर रहे हैं। अभी हमने मछली का बीज डाल दिया है और जो जैसे डबरी जैसे जो था उसको तालाब का स्वरूप दे करके हम मछली पालन महिलाएँ जो हैं वो मछली पालन कर रही हैं। 4 महीने में जो मछली है वो विक्रय के योग्य हो जाएगी और इससे जो आर्थिक आय है वो महिलाओं को मिलेगी। गौरतलब है कि निगम के शहरी गोठान में विभिन्न तरह की रोजगार मूलक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।